दोस्तों आज हम आपसे बात कर रहे हैं जिंदगी के अंदर जब से हमने जन्म लिया और जब तक हम मरण सैया पे लेटेंगे हमें हर चीज के अंदर एक नंबर मिलेगा जिस नंबर के हिसाब से हम जिंदगी जिएंगे पढ़ाई करेंगे क्लास में रहेंगे मकान में रहेंगे दफ्तर में रहेंगे स्कूटर गाड़ी कार चलेंगे प्लेन में जाएंगे हाथ में टेलीफोन होगा तो उसका भी नंबर होगा जिन जिन चीजों का नाम लिया सबके नंबर हैं अगर ये नंबर हमारी जिंदगी से हट गए तो हम शून्य हो जाएंगे हमें पता नहीं है रात हुई और दिन बीत गए और इसके अंदर क्या घटित हुआ कितना टाइम हमने कहा खर्च किया हम अपने कुछ भी ऑडिट नहीं कर पाएंगे लेकिन समय है नंबर है एक मिनट है दो मिनट है या सेकंड में भी एक सेकंड है दो सेकंड है तीन सेकंड है ये सब सेकंड चल रहे हैं हमारे और जब नंबर चलते हैं तो नंबरों की पहचान बनती है जो मैंने आज तक जितनी भी मेरे पास नॉलेज आई उसमें मैंने देखा जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें साइंस बहुत बड़ी है वास्तु शास्त्र है हस्तरेखा है ज्योतिष विद्या है न्यूमरोलॉजी है वैदिक निमोलॉजी है केपी है बेन है इतनी उड़ साइंस है कि हम सोच नहीं सकते लेकिन उसमें से मैंने अपनी जिंदगी में चार चीजों को अपनाया कि परमात्मा ने हमें जन्म दिया उसका हमें गुरुजनों ने एक टाइम दिया माँ बाप ने नाम दिया गुरुजनों ने उसके भी नंबर दे दिए। उसके बाद हम देखते हैं कि लोशो ग्रिड है वेदिक ग्रिड है ये भी नंबरों से है हमने खुद नंबर एक आजाद किए एक टेलीफोन बनाया एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए नंबर दिए गए कि इस नंबर को आप एक दूसरे से नंबर मिलाते हैं तो उस नंबर पे मिलता है ये नहीं कि सबसे मिल जाता है उस नंबर की पावर जिसका नंबर डायल करता है उसके साथ कनेक्ट हो जाती है ये नंबर की पावर मैंने चारों चीजों को जिंदगी को लिया क्यों लिया क्योंकि नाम माँ बाप ने रखा अपने हिसाब से रखा अब हमें समझ आई कि ये नाम के जो नंबर है कभी हमें हंसा रहे हैं कभी रुला रहे हैं हम रो रहे हैं तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे इस बात के ऊपर हमने ध्यान दिया हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि जो परमात्मा ने दे दी बहुत अच्छी दे दी उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमने एक भाग्यांक निकाला एक मूलांक निकाला इन नंबरों के साथ अब नाम के नंबर जोड़ते हैं। नाम के नंबरों के साथ हम अपने दिन महीने सालों को जोड़ते चले गए सालों को अंदर हमने कहा ये महादिशा ये हमारी अंतर दिशा है हमने अपनी महादिशा देखी अंतर दिशा देखी कि कौन कौन से नंबर चल रहे हैं इन चारों चीजों के मेल से हमने अपनी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जब हम एक जिंदगी की गाड़ी पे चल रहे हैं दोस्तों हमें जिंदगी का हर सुख के लिए हम बेचैन हैं हर सुख सुविधा घर में देखना चाहते हैं बच्चों को देना चाहते हैं जितना जितना परिवार हमें परमात्मा ने बनाया किसी के दो बच्चे हैं किसी के एक बच्चे हैं किसी के चार बच्चे जो हैं जो माँ बाप है जो भाई बहन है अपने भाई बहनों के लिए माँ बाप अपने बच्चों के लिए बच्चे अपने माँ बाप के लिए हर कोई ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करता है मगर कर नहीं पाते कुछ परेशानियां आ जाती हैं उन परेशानियों को बचने के लिए हम अपने अपने तरीके से देखते हैं है बार मैं अपने से ही बात करता हूं दोस्तों की मेरा जन्म दो दस उन्नीस को हुआ दो तारीख लेके दसवें तो महीने से उन्नीस से लेके चौबीस दस उन्नीस तक मैं साठ साल का हो गया पैंतीस साल से मैं ओकल्ट साइंस के अंदर हूँ हीलिंग के अंदर पब्लिक सर्विस दे रहा हूँ सेवा दे रहा हूँ इसके अंदर मैंने जो देखा कि कब नंबरों के हिसाब से क्या आता दलजीत सिंह हमारी सरदार थे तो सिंह लेगा दलजीत मेरे बाबा अपने नाम रखा तो नाम में मैं जब लिख रहा था डी ए एल जे डबल दलजीत सिंह बन गया मेरे नाम से स्पेलिंग चल रहे थे और बैठे बैठे मुझे गैस की दिक्कत रही मुझे नहीं समझ आया क्योंकि खान पान से भी हम कहते हैं लेकिन ये नेम नेमोलॉजी के अंदर हम जब जाएंगे मेडिकल न्यूरोलॉजी में जाएंगे तो वहां हमें ये चीजों की समझ आए क्योंकि हर स्वर की एक ताकत है और इसका जीता जागता एक बहुत अच्छा उदाहरण राम का नाम है ये हनुमान जी और बाकी सब राम राम कह के पत्थर पहनकर आपस में चिपकते चले गए पुल बन गया और कहा गया कि राम से बड़ा राम का नाम हमारे सामने ये एग्जाम्पल है मंत्रों को उच्चारण से हमारा लोक सुखी पर लो हो जाता है है मंत्र उच्चारण करते कितनी शांति आती वो भी एक नाम नंबर तो अपनी बात पे कर रहा था कि दो दस उन्नीस सौ चौसठ के साथ दो और पांच का कम्बिनेशन मेरा बना और दलजीत सिंह के नाम के अंदर फिर मैंने एस दलजीत सिंह किया क्योंकि मुझे नॉलेज देनी थी बांटना था आज तक मैं खुद ज्ञान ले रहा था अब मुझे पढ़ाना था तो तीन की पावर मेरे डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रही थी तो एस के साथ मैंने दलजीत के अंदर तीन की पावर ली और आपके साथ पढ़ाता चला आ रहा जो समझा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सीखा वो आपको सिखाने की कोशिश में लगा कि आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ किसी को आप खाना खिलाते हैं एक बार की बूट खत्म कर देते हैं लेकिन परमात्मा ने तीन टाइम बुक देती है सुबह का नाश्ता होता है दोपहर का खाना होता है रात का खाना होता है और जब नॉलेज आ गई तो आप कितने टाइम का खाना अपने लिए बना सकते हैं कितने टाइम का खाना लोगों को खिला सकते हैं कितने लोगों की पी एच है आज भी उनकी किताबें बिक रही हैं उन किताबों से वो दुनिया का पेट भर रहे हैं अपना पेट भरते हैं इसकी गीता जागता हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है अमेजोन एमेजोन ने सबसे पहले बुक्स बेचनी शुरू की और बुक्स के बाद आई वर्ल्ड की हर चीज बेच नॉलेज आई नॉलेज के ज्ञान से पैसा कितना कमाया गया मेरा आपसे सिर्फ कहने का समझाने का समझने का इतना ही तरीका है कि हम लोग लाइफ विद नंबर इंस्टीट्यूट के माध्यम से क्योंकि लाइफ बिना नंबरों के नहीं है नंबरों के साथ लाइफ को जिंदगी जीनी है लाइव विद नंबर के अंदर हमने ये चार चीजों को लेके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंदर हम अपनी दिशा और दशा को बदलने की कोशिश करेंगे जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके आगे पढ़ें भी और पढ़ाएं भी इसको रोजगार बनाना चाहें किसी की हेल्प करना चाहें ये आपकी मर्जी है अपने नंबरों को देखें नंबरों को समझें क्योंकि कोई भी रिस्ता आता है हम जिंदगी का सफर कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा कोई इतना योगदान खास नहीं है परमात्मा ने जन्म दिया माँ बाप ने हम पे मेहनत की पढ़ाई लिखाई कराई हम पढ़े या नहीं पढ़े वो हमारी मेहनत थी कहाँ तक पहुँचे लेकिन हमारा मोल इसमें कुछ नहीं लगा अब मोल अब लगना है कि अपनी जिंदगी को हम कितने अच्छे तरीके से बनाते हैं इसके लिए कुछ गुरुजनों के एग्जाम्पल भी आते हैं कि जिंदगी के अंदर अगर हम गरीब घर गर में पैदा हुए तो हमारी गलती नहीं मगर गरीब मर गए तो हमारी गलती है अपने धन की दौलत भी कमाएं और अपने ज्ञान को भी बढ़ा करें ज्ञान की दौलत से धन बहुत आ जाएगा दौलत से ज्ञान नहीं आएगा आपको अपने पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने पे टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी अच्छी वीडियो देखनी पड़ेंगी अच्छी संगति में बैठना पड़ेगा अच्छा कुछ लिखना पड़ेगा दिन के चौबीस घंटों में कुछ समय आपको अपने दिमाग पे खर्च करना पड़ेगा जो आपको पत्थर से एक पारस बना देगा क्योंकि पारस क्या है जो छू जाता है वो सोना बना देता है सुना है देखा नहीं मगर एक टीचर है जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं अपने जैसा बनाते हैं तो उन्हीं का पढ़ा हुआ स्टूडेंट कई बार देखने को मिलता है स्कूल के अंदर टीचर थे वो आप प्रिंसिपल बन के आ गया स्कूल का बच्चा टीचर जो बच्चा था वो प्रोफेसर बन के आ गया वो बच्चा पढ़ाओ आई ऑफिसर बन के आ गया आज के टाइम में जितने नेता बनते अभिनेता बनते हैं कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाई का योगदान है दोस्तों तो मेरी इस मुहिम में आपका साथ चाहता हूँ आओ हम अपनी जिंदगी की दिशा और दशा को बदलें निम्न न्यूमरोलॉजी से रोशोग से वैदिक से अपनी महादिशा को समझें अपनी अंतर दिशा को समझें अपनी प्रंतर दिशा को देखें कि ये दिन हमारे कुछ दिक्कत वाले आए हैं इसको हम प्यार से निकाल लें इसमें गुस्सा ना करें इन लोगों से अगर सतर्कता कर रहे हैं तो क्यों हो रही है क्या हमारे साथ वो मैचिंग है क्या हम लोगों का अगर नंबर तीन है या पाँच है या छः है कोई भी हमारा अपोजिट नंबर तो नहीं हमारे सामने इन बातों को समझेंगे तो हमें बहुत सहूलियत होगी कि यार इसकी तो बात ही नहीं करनी इससे समय से निकलना है इसी सारा बात को समझाने के लिए लाइव लाइव्रेड नंबर ने आपके लिए कोर्स तैयार किया आओ इस कोर्स के अंदर वैसे हमने ए टी वन कम्बिनेशन आपको दिया हुआ है लाइव लाइव्रेड नंबर इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप ए टी वन कम्बिनेशन को बहुत डीपली सीख सकते हैं बहुत एग्जाम्पल लेके एक एक आदमी की जिंदगी के, के मोड़ पर कौन सी महादिश आई क्या हुआ कौन सी सीशाई शादी कब हुई बीमारी कब हुई बच्चे कब हुए कैसे कैसे योग बने इन्हीं बातों को समझा रहा हूँ और इस कोर्स के अंदर आपको डिटेल बता रहा हूँ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने का स्वस्थ रहें मस्त रहें